चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए क्या चाहिए आपके पास? कोई भी पुराना सूट हो, कोई भी पुरानी सलवार पड़ी हो, कोई पुराने अनयूज्ड कपड़े पड़े हो, किसी भी तरीके का कॉटन के आपके पास कपड़े पड़े हो, सिंथेटिक कपड़े हो, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जिस भी पुराने कपड़ों में से आपने बनाना है उसमें से हमें छोटे छोटे स्क्वेयर पीसेस कट करने हैं। देखिए, इस तरीके से कपड़ों की कतरनों में से मैंने छोटे छोटे स्क्वेयर पीसेस कट किए हुए हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये मैंने लिया है 4.5 इंच बाय 4.5 इंच के मैंने पीसेस लिए हुए हैं। इसमें फिल करने के लिए आप कतरन फिल कर सकते हैं अगर आपके पास कतरन है। अगर आपके पास कतरन नहीं है, कोई पुराना पिल्लो कवर पड़ा है, पिल्लो पड़ा है आपके पास, उसमें जिस तरीके से पॉलीफिल होती है, कॉटन वाला नहीं, पॉलीफिल वाला, पॉलीफिल क्योंकि वॉशेबल होती है, वो मशीन वॉश भी हो जाती है, तो आप इसमें पॉलीफिल यूज किए यूज कर सकते हैं, जो सॉफ्ट टॉयज वगैरह में होती है। तो इस तरीके से पिल्लो भी होते हैं हमारे पास, अगर कोई पुराना पिल्लो है तो उसकी आप पॉलीफिल भी इसमें यूज कर सकते हैं, नहीं तो कतरन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो पीसेस लेने हैं आपको, जिसे मैंने ये वन पीस ये लिया इस तरीके से, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक तीन तरफ इस पे सिलाई लगा ली, सिलाई लगा ली यहां से लेके यहां तक, तीन तरफ मेरी इस पे सिलाई बन गई, ये इस तरीके से पॉकेट जैसी बन गई। अब इसमें जो भी आप फिल करना चाहते हैं, कतरन फिल करना चाहते हैं, पॉलीफिल फिल करना चाहते हैं, जो भी आपके पास है उसे इसमें इस तरीके से फिल कर देना है। बहुत ज्यादा आपको फिल नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइटली बहुत सारा नहीं फिल करना है, बस हल्का सा फिल करना है ताकि थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट बने। इस तरीके से फिल करने के बाद यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा, तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया तो ये मेरी पॉकेट रेडी हो गई। इसी तरीके से मैंने एक और पीस लिया, इस पे भी तीनों तरफ सिलाई लगाई हुई है, एक तरफ से पॉकेट खुली छोड़ी है। इस तरीके से पॉलीफिल, पुराने तकिए का, रुई का, पिल्लो का मैं यूज कर रही हूं, इस तरीके से मैंने इसमें फिल कर दिया। ये मैंने इसमें पॉलीफिल फिल कर दी, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए जैसे इस पे लगाई थी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, तो मेरी पॉकेट रेडी हो गई। अब क्या करना है, इसे इसके साथ रखिए इस तरीके से, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए, तो ये दोनों आपस में इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखिए यहां से लेके यहां तक मैंने इस पे सिलाई लगा ली, तो इस तरीके से मेरा रेडी हो गया। बस इसी तरीके से ये जोड़ के हमें काफी चौड़ा हम इसका पहले स्क्वायर बना लेंगे। आपको बताई थी 1 2 3 4 पॉकेट्स को मैंने इस तरीके से आपस में जोड़ लिया और 4 इस तरीके से एक और जोड़ी हुई है। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो इस तरीके से इसे इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और यहां से लेके यहां तक हम इस पे सिलाई लगाएं। ये देखिए इस तरीके से था, इसे इसके ऊपर रखना है यहाँ पे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। Three, 4, 5, 6, 7, 8 तो मैंने ये 8 पीसेस ज्वाइन कर लिए। बस इसी तरीके से हमें इसमें आगे ज्वाइन करना है और हम इसे बड़ा बनाएंगे। मैंने ये पीसेस ज्वाइन कर दिया, अभी मैंने इसमें टोटल 16 पीसेस ज्वाइन किए, 1 2 3 4 रोज ऐसे, 4 रोज ऐसे, तो एक स्क्वायर मेरे पास इस तरीके से बन गया है। क्योंकि हमने इसे राउंड बनाना है तो हम जो इसकी साइड वाली रो बनाएंगे उसमें हम पहले इसे पॉलीफिल को फिल नहीं करेंगे, वो हम बाद में फिल करेंगे शेप देने के बाद। तो ये हमारा सेंटर का रेडी हो गया था। अब यहाँ पे मैं ज्वाइन करने 1 2 3 4 पीसेज हम इस तरफ भी ज्वाइन करेंगे लेकिन हम उसमें अभी फिल नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 पीसेज हैं, तो 1 2 3 4 पीसेज मैंने ले लिए। अब यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए जैसे हमने पहले लगाई थी, इस तरफ से ओपन रहने देंगे ताकि हम बाद में इसमें फिल कर सके। ये देखिए सारी पॉकेट मैंने सिल दी, यहां से लेके तीन तरफ से, एक तरफ से ओपन रहने दिया। अब क्या करना है, इसे इसके ऊपर रखिए, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए, इसे इसके ऊपर रखिए यहां से लेके यहां तक, और इसे इसके ऊपर रखिए यहां से लेके यहां तक, और ये चार पट्टियों की एक लंबी स्ट्रिप बन जाएगी। मैंने इस पे सिलाई लगा ली तो इस तरीके से एक चार की लंबी पट्टी आ गई और एक तरफ से मेरी इस तरीके से ये ओपनिंग हमारा इसमें खुला है। अब हमें क्या करना है, बंद वाली तरफ से इसे इसके ऊपर रखना है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा लीजिए, तो ये हमारा इसके साथ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। इसे अभी फिल नहीं करना है तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा। तो जैसे यहां ज्वाइन किया, जैसे ये किया है, एक इस तरफ भी ज्वाइन कर लीजिए।
की पट्टी मैंने यहाँ जोड़ी थी, फोर की मैंने यहाँ जोड़ दी, तो साइड वाले अभी मैंने फिल नहीं किया क्योंकि हमें इसे राउंड शेप देनी है। तो वन और दो पट्टी हमने इस तरफ लगा ली, अब एक पट्टी हम इस तरफ लगाएंगे, एक इस तरफ लगाएंगे, सेम इसी तरीके से लगानी है। पहले मैंने ये फोर की बनाई थी, अब मैंने ये देखे सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स मैंने करे हुए हैं। इस तरफ से पॉकेट्स लूज छोड़ी हैं जैसे ये वाली छोड़ी थी, अब इसे इसके ऊपर रखना है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगानी है, तो ये हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइड वाले हमारे रह जाएंगे इनमें हमने अभी फिल नहीं किया है, बीच में हमने फिल किया हुआ है। तो जैसे एक पट्टी इस तरफ लगानी है, सेम ऐसे ही एक पट्टी इस तरफ लगानी है। ज्वाइंट कर लिया, वन टू थ्री फोर, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो ये जो साइड वाले हैं इनमें मैंने फिल नहीं किया हुआ है, बीच में सेंटर में मेरे फिल हैं, तो ये साइड वाले हम बाद में फिल करेंगे, पहले हम इसे राउंड शेप देंगे। तो राउंड शेप कैसे देनी है, देखिए मेरा रेडी बना है स्क्वायर, जितना भी बड़ा है आप इसे एक बार नाप लीजिए जितना भी आपका बना है। तो ये है मेरा अप्रॉक्सीमेट 23 इंच बाय 23 इंच का स्क्वायर बना है। तो इसे राउंड शेप देने के लिए पहले क्या कर हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेम साइज का, इसी साइज का सेम मैंने न्यूज़पेपर ले लिया 23 बाय 23 इंच का। तो पहले हम इसे शेप देंगे और फिर हम इसे इसके ऊपर रखेंगे जो हमने बनाया, हम उसे शेप देंगे। ये देखिए नीचे जो मैंने बनाया था वो रख लिया, उसके ऊपर जो मैंने राउंड कटिंग किया था वो रख लिया। अब इसे ड्रॉ कर लीजिए, ये मैंने न्यूज़पेपर पे इसलिए ड्रॉ किया ताकि हमारी जो राउंड शेप है वो प्रॉपर आए, क्योंकि हमने साइड में फिल नहीं किया हुआ है तो आप इजीली इसकी कटिंग भी हमारी हो जाएगी। बस ये मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर ली, न्यूज़पेपर रख के मैंने इसे राउंड किया। ये देखिए इस तरीके से मेरा राउंड आ गया। अभी हमने ये साइड में फिल करने हैं, अब हम ये साइडों वाले फिल करेंगे और इस पे राउंड पे सिलाई लगा देंगे। बस अब इसमें जो साइड साइड वाले हैं इसमें भी हम पॉलीफिल फिल कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने रुई डाल दी थोड़ी थोड़ी साइडों में भी इस तरीके से, बस रुई डालते और इस पे पूरे पे राउंड पे सिलाई लगा लीजिए, तो हमारा प्रॉपर फिल होके हमारा बीच का सेंटर वाला बिल्कुल रेडी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मेरा ये राउंड है और मैंने एक बेस कट कर लिया, बेस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है। अप्रॉक्सीमेट 2.5 इंच मैंने बेस एक्स्ट्रा लिया है। तो पहले हम दो मिनट इसे साइड पे रखती हूँ, पहले हम इसे फिनिश करेंगे। इसे फिनिश करने के लिए इस तरीके से मैंने पाइपिंग ली है, थ्री पॉइंट फाइव इंच। अब आपको करना क्या है, ये रखा इस तरफ, पाइपिंग लेनी है, इस पर मैंने सिलाई लगा रखी है, सिलाई लगा के इसे लंबा कर रखा है, पीसेस जोड़ के इसे रखना है यहाँ पे इस तरीके से, और सिलाई लगाते हुए पूरे पे यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड में आपको वहां तक इस पे सिलाई से इस पट्टी को लगा लीजिए। पट्टी लगा दी, यहाँ से मैंने लगाना शुरू किया था सिलाई लगानी और वापस सिलाई लगा के मैं यहीं तक आ गई। अब इसे दूसरी तरफ को टर्न करना है, इस तरफ को हम इसे टर्न करेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम हाथ से थोड़ा सा कच्चा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसे ऐसे फोल्ड करना है, आप चाहे तो डायरेक्टली सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं, इस तरीके से करते हुए बीच में मैं पॉलीफिल डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमारा फ्लफी लगे और थोड़ा दिखने में सुंदर लगे। साइड में जो इसकी बाइंडिंग है थोड़ी मोटी मोटी सी लगे, इस तरीके से रख दिया। इसे सुई और धागे से पहले कच्चा कर लेती हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली सिलाई मशीन पे भी कर सकते हैं। ये मैंने बड़े बड़े टांके लगा लिए इसमें, इस तरीके से।
तो देखिए इस तरीके से हमारी ये थोड़ी फ्लफी सी भी बनेगी और सॉफ्ट भी बनेगी और ये साइड में बीडिंग अच्छी भी लगती है। बस इसी तरीके से सारा फिल करते हुए वापस यहाँ तक फिल कर पूरा इस तरीके से कच्चा कर लिया, तो साइड में इस तरीके से मेरा बन गया। तो ये मेरा बेस रेडी हो गया बिल्कुल। तो इसे 2 मिनट में साइड पे रखती हूँ, बेस मैंने साइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने जो पहले ये लिया था इस तरीके से ये लेना है और इस तरीके से पाइपिंग लेनी है। तो पहले हम इसे फिनिश करते हैं, फिर हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसे कैसे फिनिश करना है, इस तरीके से पाइपिंग ली है मैंने, ये मैंने लिया है 2.5 इंच की। तो चलिए हम इसे फिनिश करते हैं। अब आपको करना क्या है, इसे उल्टी तरफ रखना है इस तरीके से, जैसे हमने ये देखिए पूरे राउंड में मैंने इसमें पाइपिंग लगा दी। अब इसे दूसरी तरफ को टर्न करना है इस तरीके से, टर्न करते हुए देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये मैं दूसरी तरफ को फोल्ड कर रही हूँ। और अब हम इस पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए थोड़ी सी पॉलीफिल अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इसके अंदर साइडों में इस तरीके से रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी बने और अच्छा लगे। इसे पूरा राउंड में सिलाई लगा के वापस यहां तक इस पे सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे आके मैंने खत्म कर दिया। तो ये पूरे में राउंड में इस तरीके से मेरा बन गया। अब हमें क्या करना है, इसे हम अपने बेस के साथ ज्वाइन करते हैं। वो कैसे करना है, तो ये मैंने बेस लिया जो हमने बनाया था इस तरीके से, इसके ऊपर ये रखना है यहाँ पे इस तरीके से, और इस पे पूरे पे राउंड पे हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे इसके पूरे ये जो हमने बीडिंग लगाई है इसके साथ साथ हम इस पूरे पूरे पे सिलाई लगा देंगे। यहीं तक आ जाइए तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली, तो ये मेरा फिनिश बिल्कुल रेडी टू यूज है। फ्रंट साइड बैक साइड से भी दोनों तरफ से फिनिश है और काफी सॉफ्ट और फ्लफी बनता है ये। तो इस तरीके से बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया। तो आप इसी तरीके से बड़े साइज में भी बना सकते हैं, छोटे साइज में भी बना सकते हैं, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन।